बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी से जोड़ने के लिए आम लोगों की जो मुहिम है वह दुर्गा पूजा पर भी हावी होते दिख रहा है। या यूं कहें पूरे बिहार में जिस तरह से अलग अलग झांकियां बना के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो शराबबंदी हो या सीमा पे लड़ रहे सेना के जवान हो, पूरा पटना में जो भी पूजा पंडाल बने हैं उन तमाम पूजा पंडालों में इस तरह की झांकियां प्रस्तुत किया गया है कि लोगों के बीच में एक संदेश जाए कि हम अब कैसे रहें और आगे हमें क्या करना है। यह पटना का गोविंद मित्रा रोड है और यहाँ पे एक झांकी दिखाया गया है जिसमें एक व्यक्ति की पूरी कहानी है। यह 3 महीने पहले की कहानी है जब बिहार में शराबबंदी नहीं हुआ करता था, लेकिन उस समय क्या दृश्य होता था उसके बाद दिखाया गया कि बिहार में शराबबंदी के बाद किस तरह से परिवर्तन हुआ है और यह पूरी तस्वीर साफ दिख रही है। शराबबंदी से पहले रामलाल का हाल, रामलाल एक व्यक्ति है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके बाद बताया जा रहा है कि रामलाल कैसे पूरे दिन नशे के लत में पड़ा रहता था और नशे के हालात में कैसे वो जमीन पर पड़ा रहता था और उसका यह हश्र हुआ करता था। लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक अच्छी सोच के साथ एक नियम कायदे कानून और नए लोगों को जुड़ने के लिए शराबबंदी के तो लेके एक मुहिम चला है और अब शराबबंदी की जो मुहिम है उसके बाद यह नजारा दिख रहा है। रामलाल का यह पूरा परिवार एक बार फिर से दिख रहा है। हालांकि ये जो झांकी है ये आर्ट कॉलेज के जो छात्र हैं उनके द्वारा लगाया गया है और ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है रामलाल का परिवार अब कैसे है, क्योंकि वो सीधे दिखा रहा है कि अब वह गोलगप्पे की दुकान लगाता है और अपने परिवार के लोगों को खुश करने की जो जरूरत है उसमें पूरी कर रहा है। और यही वजह है कि इस तरह की झांकी को देखने वाले लोगों की अच्छी खासी भीड़ पूजा पंडालों में दौड़ रही है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं क्या लग रहा है इस तरह की झांकी कितने लोगों को प्रभावित करेगी। बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगी, इससे लोगों को ये दिखाई देगा हो रहा है कि बिहार में क्राइम बंद हो गया है, एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट्स जो रोज होते रहते हैं वो कम हो गया है और इस झांकी से लोगों को ये लगेगा जो अभी लोग मैटर उठा रहे हैं कि शराबबंदी को फिर से बिहार में लाना चाहिए, उससे लोगों को फिर से ये जागृति होगी कि नहीं इस चीज़ को बंद करना चाहिए, ये बिहार के लिए हम सबों के लिए बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इस चीज को बिहार सरकार नीतीश कुमार को इसका प्रोत्साहन सभी को देना चाहिए। बिल्कुल, क्या लगता है कि इस तरह के झांकी से आम लोगों के मन में कितना प्रभाव? बहुत फर्क पड़ने वाला है। एक तरह समय से अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं घर से बाहर निकल के खास ओकेजन के लिए लोग आते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से जो है लोग अट्रैक्ट होते हैं चीज़ों पर। इसका जो फायदा हो रहा है शराबबंदी बेहद जरूरी था बिहार में, क्योंकि अभी आप मेडिकल रिपोर्ट देख ले तो मेडिकल रिपोर्ट में भी ये अभी आया है रिपोर्ट की शराबबंदी के वजह से भी मेडिकल लोगों के अंदर की बीमारी कम। खुशी है इस चीज़, बहुत खुशी हम लोग को, बहुत खुशी और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि इस तरह का माहौल बनाया गया। बिल्कुल, इस तरह के झांकी से आम लोगों में काफी खुशी है कि इस तरह के झांकी से आम लोग के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है और यही वजह है कि इस झांकी को देखने वाले लोगों की लंबी भीड़ यहां तक खींच लाती है। हम आगे भी चलेंगे और देखेंगे कि पटना के दूसरे पूजा पंडाल में जो देश के सीमा पे जो हमारे जवान खड़े हैं और हाल ही में जो आतंकी हमले हुए थे उसके बाद हमारे जवानों की क्या प्रतिक्रिया हुई थी, क्या नुकसान हुआ था और कैसे हमारे जवान 24 घंटा 365 दिन हर मुश्किलों में उसके जूझते हुए हमारे देश के साथ साथ हम आम आवाम की रक्षा करते हुए दिखते हैं।